तो गाइज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 ने पूरी सीरीज का टेस्ट ही बदल दिया। जहां अब तक बकी और सैम का डुओ हमें हंसा रहा था, तो ये एपिसोड उतना ही सीरियस निकला। साथ ही इस एपिसोड में वो हुआ जो अब तक पूरे एमसीयू में नहीं हुआ था, यानी कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर खून लग गया। तो गाइज आज हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि ये एपिसोड इस सीरीज को कहां ले जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि बकी बांस अब विंटर सोल्जर प्रोग्राम से फ्री है। अब उसके दिमाग में वो हाइड्रा प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता और अब उन शब्दों से बकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो वकांडन बकी को 8 दिन का टाइम देती है कि 8 दिन के बाद वो जीमो को पकड़कर वकांडा ले जाएंगे। उसके बाद सैम, बकी और जीमो उसी कैंप में जाते हैं जहां कार्ली की मां की डेथ हुई थी। जहां जीमो चॉकलेट से बच्चों को पटाकर ये पता कर लेता है कि कार्ली की मां का अंतिम संस्कार कहां और कब है। अब अंतिम संस्कार पर ये लोग कार्ली से मिलने जा ही रहे होते हैं कि बीच में जॉन वॉकर ने मिल जाता है, जिसके बाद ये सब मिलकर कार्ली से मिलने जाते हैं। तो वहीं कार्ली के पास अभी भी बहुत सारी सुपर सोल्जर सीरम्स हैं और वो इनकी मदद से कुछ और लोगों को सुपर सोल्जर बनाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ सैम सबको समझाता है कि वो कार्ली से 10 मिनट अकेले में मिलना चाहता है ताकि वो उसे समझा सके और पूरा मामला शांति से निपट जाए। और सैम ऑलमोस्ट कार्ली को समझाकर अपनी तरफ कर ही चुका था, लेकिन 10 मिनट होने से पहले ही जॉन वॉकर कार्ली को अरेस्ट करने आ जाता है, जिससे कार्ली को लगता है कि ये सैम का प्लान था ताकि वो उसे जेल में डाल सके। और फिर कार्ली ये समझकर वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए कार्ली जीमो से मिलती है जहां जीमो सीधे उसे गोली मार देता है, जो मेरा इस एपिसोड का फेवरेट सीन था। खैर वहां कार्ली बच तो जाती है, लेकिन जीमो सारी सुपर सोल्जर सीरम्स को नष्ट कर देता है। लेकिन फिर भी जॉन वॉकर को एक सुपर सोल्जर सीरम मिल जाती है और आगे जाकर वो ये सीरम खुद लेगा। लेकिन इससे पहले जॉन वॉकर जीमो को अरेस्ट करने आता है, लेकिन सैम जॉन वॉकर को समझाता है कि जीमो उनके आगे काम आ सकता है, लेकिन जॉन वॉकर नहीं मानता। और तभी डोरा मिलाजे वहां आ जाता है। जॉन वॉकर डोरा मिलाजे को हल्के में ले लेता है, जिसके बाद जॉन वॉकर की काफी अच्छी धुलाई होती है। लेकिन जब फाइट ज्यादा बढ़ जाती है तो सैम और बकी डोरा मिलाजे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वकांडन बकी के वाइब्रेनियम हाथ को उससे अलग कर देती है। अब ये बकी को भी नहीं पता था कि वकांडन ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वकांडन ने ये सोचा होगा कि अगर फ्यूचर में बकी उनके खिलाफ हो गया तो वो इसकी मदद से बकी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। खैर लेकिन जब फाइट चल रही थी तब जीमो मौका देखकर वहां से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्ली और उसके सुपर सोल्जर एक प्लान बनाते हैं कि वो जॉन वॉकर को मार देंगे, जिसके बाद कार्ली सैम की बहन को धमकी देती है और सैम के लिए एक एड्रेस भी छोड़ती है। और जब सैम और बकी कार्ली से मिलने जाते हैं तब फ्लैग स्मैशर जॉन वॉकर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैरन की मदद से सैम कार्ली के प्लान को समझ जाता है, जिसके बाद सैम और बकी जॉन वॉकर को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन अब जॉन वॉकर भी सुपर सोल्जर है, इसलिए यहाँ वो सब कुछ अकेला ही संभाल लेता है, जिसके बाद जॉन वॉकर और फ्लैग स्मैशर के बीच एक काफी तकड़ी फाइट होती है। लेकिन मामला तब खराब हो जाता है जब कार्ली अनजाने में जॉन वॉकर के दोस्त निमार हास्किन को जान से मार देती है, जिसके बाद फ्लैग स्मैशर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक जॉन वॉकर अपने दोस्त की मौत में पागल हो चुका था और वो लोगों के बीच एक फ्लैग स्मैशर को जान से मार देता है और ये सब पूरी दुनिया देख रही होती है। और जॉन वॉकर के गुस्से के कारण वो कैप्टन अमेरिका जिसके जैसा बनने के लोग सपने देखते हैं, उस कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर खून लग गया। तो अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की कुछ हिडन डिटेल्स और जबरदस्त मूवमेंट की। तो एक सीन में जब जॉन वॉकर और लिमार हास्किन एक साथ बैठे होते हैं, तो वहां लिमार कहता है कि सुपर सोल्जर सीरम किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बनाती, बल्कि वो उसके असली चेहरे को सामने लेकर आती है। और सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद जॉन वॉकर का असली चेहरा हमारे सामने आ ही गया। इस एपिसोड में भी वकांडन बकी को फिर से व्हाइट वुल्फ कहकर बुलाती है। एक फाइट सीक्वेंस में वकांडन बकी के वाइब्रेनियम हाथ को उससे अलग कर देती है, यानी वकांडन ने बकी को वाइब्रेनियम आर्म तो दी, लेकिन उसे इस तरह से डिजाइन किया कि अगर बकी उनके ही खिलाफ हो जाए तो वो उसे आसानी से कंट्रोल कर सके। जीमो इस दुनिया से सारे सुपर सोल्जर्स को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ सुपर सोल्जर सीरम्स को लेता नहीं बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। एपिसोड के एंड में जॉन वॉकर एक फ्लैग स्मैशर को बुरी तरह मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। कॉमिक्स में भी जब रेड स्कल के आदमी जॉन वॉकर के पेरेंट्स को मार देते हैं, तो उसके बाद वो इसी तरह से सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे स्टीव रोजर रोकने आता है। जब जॉन वॉकर और लिमार हास्किन फ्लैग स्मैशर के पीछे जाते हैं, तो उस बिल्डिंग में जॉन वॉकर गन के साथ एंट्री करता है, लेकिन सीढ़ियों पर जॉन वॉकर गन को वापस रख लेता है और पूरी फाइट में गन का बिल्कुल भी यूज नहीं करता। ये इफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम का है। तो गाइज ये था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड में कॉमिक से रिलेवेंट बहुत सारी चीजें हुई, जहां जॉन वॉकर का बैड गाय होना काफी ज्यादा जबरदस्त मूवमेंट था। हालांकि पावर ब्रोकर, जिसकी बात हर एपिसोड में होती है, वो आज भी नहीं दिखा।
लेकिन लगता है कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में सैम और बकी स्टीव रोजर से मिलते हुए दिखें। खैर, तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सीमार एंड यू वॉचिंग द विक्की सीमार।